हाई डियर चिल्ड्रन वेलकम टू हिंदी सेशन एज यू ऑल नो दैट वी हैव फिनिश्ड विद अवर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकेंड यूनिट टेस्ट सिलेबस फर्स्ट आई टेल यू वट विल कम इन सेकेंड यूनिट टेस्ट दैन वील स्टार्ट विद द लेसन वन ओके क्लास थर्ड स्लेबस फॉर यूनिट टेस्ट टू टू बी हेल्ड इन नवम्बर सबसे पहले पार्ट नौ चांद का कुर्ता ये कविता है सेकेंड पार्ट दस हमारा सुंदर घर इसमें साफ सफाई दिखाइए बेटा थर्ड व्याकरण का पाठ है दस विशेषण और पत्र है मित्र को जन्मदिन पर बधाई ठीक है ये आपका हिंदी का सिलेबस है ओके ये आपका सिलेबस जो है आपके पास सिलेबस बुक है उसमें भी आप देख सकते हो और ये मैंने व्हाट्सएप में भी डाल दूँगी वहाँ से भी आप देखते रहना ठीक है नेक्स्ट बेटा हम बुक में काम स्टार्ट करते हैं तो बुक में देखो आप सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगी फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे पार्ट नौ ओपन पेज फिफ्टी एट चांद का कुर्ता ये कविता है सबसे पहले हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यो बोला बेटा हट कर बैठा हट होता है जिद बेटा चांद है ना जो जैसे आपकी मम्मा होती है वैसे चांद की भी मम्मा है ठीक है हट कर बैठा चांद एक दिन एक दिन चांद जिद कर बैठा और अपनी मम्मा से माता से क्या बोला यूँ बोला मतलब इस तरह से बोला सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला उसने क्या बोला अपनी मम्मा से मुझे भी मम्मा एक ऊन का ऊन मतलब ऊन पता ना आपको वूल उसका एक मोटा सा झिंगोला मतलब खुला सा कुर्ता टाइप उसको झिंगोला बोलते हैं ठीक है ठीके? क्या बोलते हैं झिंगोला ढीला ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र ठीक है कहती मुझे भी एक वो बना दो सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ सनसन मतलब पूरा जोर से सनसन करके आवाज से जो हवा चलती है उसको सनसन बोलते हैं चलती है हवा रात भर और जाड़े ठंड से मैं मुझे बहुत ठंड लगती है उससे मैं मरता हूँ मतलब बहुत ठंड लगती है ठिठो ठुठ कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ ठिठो ठिठुर का मतलब है ठंड से हम लोग ऐसे कांपते नहीं है जो हम करते हैं ना कामते ठंड में जब बहुत ठंड लग रही होती है और हम लोगों की दांत भी बचते हैं साथ में तो उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड लगना रहा है ठिठू ठुटू कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ रात को चांद हमारे ऊपर होता है ना बेटा वो घूम रहा होता है तो कहता अपनी यात्रा बड़ी मुश्किल से मैं ठिठू ठुटर कर पूरी करता हूँ बच्चे की सुन बात कहाँ माता ने उसकी बात सुनकर उसकी मम्मा ने क्या बोला अरे सलोने सलोने मतलब प्यार से बोल रही है उसको सलोने कुशल करे भगवान भगवान सब ठीक करे लगे ना तुझको जादू टोने तुझे कभी कोई बुरी नजर ना लगे जादू टोने जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ जाड़े की तो चलो ठीक बात है पर मैं डरती हूँ किस बात से डरती हूँ मैं एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ मैंने तो तुम्हें साइज में कभी देखा ही नहीं बेटा कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा बेटा चांद आपको पता है ना पूरा महीना एक एकजस्ट तो रहता नहीं है घटता बढ़ता रहता है तो कहती है कभी एक उंगली भर तुम बड़े हो जाते हो कभी छोटे हो जाते हो कभी मोटे हो जाते हो बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा तुम किस दिन बड़े हो जाते हो किस दिन छोटे हो जाते हो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है तो तुम रोज कभी घटते हो कभी बढ़ते हो तो ये सब चलता रहता है नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है तो किसी को ये नहीं पत, पक्का पता चलता कि तुम कितने साइज़ के है तुम्हारा अब तू तु ही ये बता नाप तेरा किस रोज़ सिलवाएं तेरा नाप जो है वो कैसे बनवाएं बेटा कभी तू छोटा हो जाता है कभी तू बड़ा हो जाता है सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए तो उस उन्होंने अपनी मम्मा को क्या बोला एक झिंगोला ऐसा बना दो कि जो रोज ही मेरे मतलब मैं रोज डालूं और मुझे पूरा आ जाए ठीक है तो समझ में आ गई आपको कविता बेटा ये वाली इसको आप रीड करके याद करने की कोशिश करना ठीक है इस कविता को किसने लिखा है रामधारी धारी सिंह दिनकर इस कवि का नाम याद कर लेना ठीक है एग्जाम में आ सकता है इससे हमें क्या संदेश मिलता है चांद के घटते बढ़ते रूप को समझना चांद के घटते बढ़ते रूप को समझो ठीक है और इसके शब्द अर्थ है इसको भी याद करना आपने बुक से ही हट जिद बदन शरीर कोई भी एक याद कर लेना शरीर या देह में से कुछ भी ठिठर ठिठर कर कांप कांप कर अंगुल उंगली कुशल मंगल या सुखी रहना कोई भी आप एक याद कर लेना झिंगोला ढीला डाला कुर्ते जैसा वस्त्र माप नाप ठीक है ये आपके शब्द अर्थ हो गए या संदेश हो गया ये कवि का नाम हो गया ये अच्छे से ध्यान कर लेना अब आ जाओ बुक एक्सरसाइज पर चांद ये बेटा वर्ड्स है कुछ पीछे थे यहाँ पर इनको अपने ऐसे ही पढ़ने के लिए हैं ये झिंगोला जात्रा कुशल अंगुल उसके नेक्स्ट में आ जाओ बेटा क्वेश्चन चांद ने ये छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं ये पर क्वेश्चन आंसर्स आपने सारे कॉपी में करने हैं ठीक है थीके? चांद जैसे हमने फर्स्ट टर्म में किया है चांद ने माता से ऊन का झिंगोला मांगा या रेशम का ऊन का आंसर क्या है ऊन का जाड़े को रात में हमें ठुठन होती है या पसीना आता है ठिठुरन ठीक है आंसर आसमान में पूरा चांद कब दिखाई देता है पूर्णिमा की रात को ठीक है इसका आंसर है तो ये आंसर साइड में हो गए बेटा ये आस, मैं व्हाट्सएप में काम डाल दूंगी और आपने ये सारा काम जो है बुक में करना है ठीक है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए और ये बुक में नहीं करना है ये आपने कॉपी में लिखने हैं क्वेश्चन आंसर्स ठीक है आंसर, ये मौखिक भी और यहाँ पर जो ये वाले ये भी अब आ जाओ बेटा कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ यहाँ हवा और यहाँ जाड़े भरेंगे ठीक है नेक्स्ट ठीक पे बेटा चिन्ह लगाओ सही का इस कविता में चांद माता ने किस चीज के लिए हट कर रहा है चांद चांद माता से खिलौने के लिए झिंगोले के लिए टोपी के लिए तो वो कर रहा है हट झिंगोले के लिए मतलब ढीला टाला कुर्ता ठिठ कर चांद क्या करता है बेटा यात्रा करता है पूरी रात घूमता है ठीक है चांद अभी ये प्रश्न ये आपने किसमें करने कॉपी में बार बार बताने की जरूरत नहीं फर्स्ट में, में हमने ऐसे किया था चांद ने माता से किस बात की शिकायत की चांद ने माता से जाड़े में ठंड लगने की शिकायत की नेक्स्ट चांद के लिए क्यों नहीं सिल सकता है क्योंकि चांद का नाप घटता बढ़ता रहता है था चंदा कब और कहा दिखाई देता है चंदा रात को आसमान में दिखाई देता है ठीक है ये बेटा भाषा ज्ञान समान तुक और क्रिया शब्द है बताती हूँ मैं आपको समान तुक वाले तो होते हैं राइमिंग वर्ड जैसे इंग्लिश में भी हम लोग करते हैं ना कैट पैट हैट, मैट, इन, पिन, टिन उसी तरह से सेम जो हम एक लय में चलते हैं बोला का तोला मोटा छोटा डरती मरती मरता करता ठीक है उसके बाद क्रिया होता है बेटा काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं जो हम कोई काम कर रहे होते हैं जैसे जिन शब्दों से काम नजर आता है ना उसको क्रिया कहते हैं तो क्वेश्चन बनेगा क्रिया किसे कहते हैं आप ये लाइन अंडरलाइन कर दिए याद कर लेना ठीक है जैसे खाना पीना सोना उठना सारे काम वाले शब्द हैं अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं उनमें जो क्रिया शब्द है उन पर निशान लगाइए सबसे पहले बैठना बेटा क्रिया शब्द है सर्कल टिक करो बोलना भी क्रिया शब्द है टिक करो माता नहीं है इसमें कुछ नहीं करेंगे कुर्ता में भी कुछ नहीं करेंगे चलना भी क्रिया शब्द है इसमें काम हो रहा है आना टिक करो दौड़ना कुछ नहीं चांद कुछ नहीं देखना इसको भी टिक करो बेटा ये भी क्रिया शब्द है ओके अब नेक्स्ट देखो बॉक्स में दिए गए क्रिया शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए सबसे पहले एक दिन चांद अपनी माता से भूला यहाँ से निकाला है बेटा हवा रात भर चलती है ये सारे क्रिया वाले शब्द है क्रिया शब्द कौन से होते हैं फिर से बताऊं जिनमें से जिन शब्दों से काम नजर आता है वह तो यात्रा पूरी करता है इस बात से चांद की मां डरती है ठीक है तो ये यह आपका यहाँ पर ये यह लेसन खत्म हो गया बेटा ये आपने अच्छे से ये मैंने डा बता दिया आपको और में भी आपको क्लास में भी इसका ऑनलाइन भी इसका क्लास में भी काम करवाएंगे और उसके बाद आपने मैं व्हाट्सएप में भी डाल दूंगी ठीक है तो आपने अच्छे से इसको वीडियो को समझ नहीं आता बार बार आप देखो ओके टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल बाय